मंच पे बैठे हुए तमाम बुद्धिजीव देवियों सज्जनों, सबसे पहले मैं एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा गया उसका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले शैलेंद्र क्यों? इसमें मैं हजारों बातें कह सकता हूं लेकिन समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा और वही बात भी काफी है। 1936 से या 33 से टॉकी फिल्म आई हैं और हर फिल्म में गीत होते हैं, लाखों गीत आज तक लिखे गए और मैं जानता हूं कि आपको बहुत गीत याद है। तीन शब्द, क्यों नाचे सपेरा, इसके मुकाबले के तीन शब्द किसी फिल्म गीत से दे दीजिए मुझे। क्यों नाचे सपेरा, ये तीन शब्द हैं। अगर मैं इस बराबर के तीन शब्द लिख लूं तो मैं समझूंगा कि मेरा निर्वाण हो गया। इस तीन शब्दों में क्या पूछ रहा है शायर, गीतकार क्या पूछ रहा है और क्या सवाल है और उसके क्या क्या इम्प्लीकेशन है। तीन शब्द, क्यों नाचे सपेरा। सपेरा तो नचाता है, बीन बजाता है और नाग और नागिन झूमती, वो बताता है कि कब पिटारे में जाओ, कब पिटारे से बाहर निकलो और कब अपना फन मेरी बीन के साथ हिलाओ। वो नचाता है, वो सपेरा नाच रहा है, क्यों? इस पे आप एक किताब लिख सकते हैं, क्यों नाचे सपेरा, और चारों तरफ देखिए कितने सपेरे नाच रहे हैं। मुझे एक बार मजरू साहब ने बात कही थी और मुझे ऐसा ख्याल है कि अगर उन्होंने नबी की हुई होती तो मेरी समझ में किसी दिन आ जाती। उन्होंने कहा था कि देखो हम लोग शायर हैं, फिल्मी गाने लिख लेते हैं, गीतकार सिर्फ एक है, शैलेंद्र, बस वही गीतकार। शैलेंद्र जी कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बड़ी बात, कोई भी बड़ा इंसान हवा में नहीं होता, पहाड़ की चोटी पहाड़ के ऊपर होती है लेकिन नीचे एक पूरा पहाड़ होता है ना, तो जितना बड़ा पहाड़ होगा उतनी ऊंची चोटी होगी। शैलेंद्र जी के पीछे के नीचे दो बहुत बड़े पहाड़ हैं, एक तो हिंदुस्तानी परंपरा का जो कबीर और मीरा और नदीर और मीर से होता हुआ न जाने कितने शहरों से गुजरती हुई वो गंगा पहुंची उनकी आवास में, उनका रिश्ता इन तमाम लोगों से है। और दूसरे वो जिस दौर में पैदा हुए थे उस दौर में समाज में एक जागृति पैदा हो रही थी, उस समाज में ऊंच नीच एक्सप्लॉयटेशन जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाने की आरजू थी और वो आवाज शैलेंद्र था। अगर समाज में ही आरजू ना हो, इस एहतजाज का, इस प्रोटेस्ट का पहाड़ ही ना बने तो चोटी कैसे बनेगी। ये वो वक्त था जब प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट था, ये वो वक्त था कि जब इप्टा अपने नाटकों से लोगों में जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें जरूरत थी एक शैलेंद्र की, सो शैलेंद्र पैदा हुआ। जब समाज को जरूरत ही ना रहे, जब समाज को ध्यान ही ना रहे, फिर क्या होगा। उस समय एक शैलेंद्र की जरूरत थी और एक शैलेंद्र हमें मिला। मैंने जहां तक संबंध है, मैं कई ऐसे सूरज हैं जिनसे रोशनी मांगी है, किरणें मांगी हैं, और उनमें से एक सूरज शैलेंद्र भी है। हो सकता है मैंने किसी इंटरव्यू में बहुत से शायरों का नाम ले लिया हो। अजीब इत्तेफाक है कि आज मैं जब आ रहा था, हम दोनों साथ में थे इरशाद कामिल साहब, तो मैंने कहा कि सच ये है कि आज या पिछले कुछ बरसों में बहुत बड़ा सॉन्ग राइटर बन जाना इतना मुश्किल काम नहीं है, इसलिए कि हैं ही कितने और कैसे। ये वो वक्त था
ये मामूली से मामूली सॉन्ग राइटर जिसे आज हम कहेंगे कि तीसरे दर्जे पे चौथे दर्जे पे था उस वक्त, वो भी नेहत अच्छे गीत लिखता था। एक लिस्ट थी, जो नाम आप बता रहे हैं वो मैंने इसीलिए बताया होंगे कि कौन कौन लोग इनके पीछे थे, इनका मुकाबला किससे था, ये किससे एक्सेल किया है इन्होंने, किनसे आगे निकले। एक लिस्ट थी शायरों की, कवियों की, और एक से एक लिखने वाला था। अगर उसमें शैलेंद्र और साहिर इस जगह पे पहुंचे कि सबसे पहले मैं इनका नाम लूं, तो बहुत मुश्किल काम था ये उनका वहां पहुंचना। आज अगर आप चोटी पे पहुंच जाएं, तो चोटी है ही कहां, छोटा सा टीला है, उसके ऊपर पहुंच गए। उस वक्त हिमालय पहाड़ था। तो ये हम लोगों पे, मैं समझता हूं वो तमाम लोग जो कोशिश करते हैं अच्छा गीत लिखने की, ये हो ही नहीं सकता कि उन पर शैलेंद्र जी का इन्फ्लुएंस था, मुमकिन ही नहीं। ठीक है, हमने अपने बहुत से बड़ों से सीखा है, हमने साहिर से भी सीखा है, मजरूर से भी सीखा है, लेकिन जब हम सिर्फ गीत लिखने के अंदाज में आते हैं तो शैलेंद्र जी से सीखी हुई बहुत सी बातें काम आती है हमारे, कोई शक नहीं। सादा से सादा जबान में जो बात कहनी है, मुश्किल जबान में कहना बहुत आसान है, लेकिन आसान जबान में कहना बहुत मुश्किल है। क्यों ना जैसे फेरा, ये देखिए अभी ये जो भी गीत गाया गया था, इसका ये एक अंतरा मुझे इतना दिल को हिलाता है, मैं जब भी सुनता हूँ, हजारों बार सुना होगा मैंने। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। ये क्या है, ये हो ही नहीं सकता कि लिखने वाले ने दिल से ये बात महसूस नहीं की हो। वो शब्द जिंदा ही नहीं होते हैं जब तक वो जो लिख रहा है उन शब्दों को महसूस नहीं कर रहा। ये कमर्शियल राइटिंग नहीं है, ये राइटिंग है और लिटरेचर है। मैं कौशिक साहब आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं और मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। आपने जो काम किया है कि इस किताब को साहित्य एकेडमी में छपाया, इसमें आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं कि वो शायर, वो कवि, वो गीतकार जिसके न जाने कितने गीत हमारे दिलों में आज भी गूंजते हैं, आपने उसकी किताब छापी। और मैं आपको बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि आपको पता चल गया कि ये कितना बड़ा शायर। हमारे मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उन्हें अपने इंटेलेक्ट पे भरोसा नहीं, आपको है। एक ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम में एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, उसमें शीशे की टेबल है, शीशे की फ्रेम्स उस पर रखी हैं, जिसमें शेक्सपियर से लेकर यू नेम एनी इंग्लिश पोएट और राइटर, उसके मैन्युस्क्रिप्ट, उसकी रफ कॉपी, उसकी छोटी छोटी लिखी हुई पर्चियां किसी वजह से वो रखी हुई हैं। और शेक्सपियर का एक कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा था, तो उसमें जो उसे क्लॉज चेंज करवानी थी हाशिए पे, वो चेंजेस भी उसने लिखे हुए हैं। वहाँ ऑस्कर वाइल्ड भी है, वहाँ शॉ भी है, वहाँ ब्लेक भी है, वहाँ कीट्स भी है, वहाँ बायरन भी है, वहाँ वर्सवर्थ भी है, हर राइटर हर पोएट वहाँ है एक ही हॉल में। उसी हॉल में एक और टेबल है जिस शीशे की फ्रेम में पॉल मैकार्टनी का यस्टरडे रखा हुआ है, लिखा हुआ उसके हाथ से। मैं सलाम करता हूँ उस कौम को जिसे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि वो पॉल मैकार्टनी पे भरोसा कर सकती है। मैंने सही कह रहे हैं कि मैंने एक जलसे में कहा था कि एक दिन आएगा कि जब लोग आनंद बख्शी पे पीएचडी करेंगे। आनंद बख्शी ने बेपनाह गीत लिखे हैं, कई हजार गीत, और उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अगर आनंद बख्शी के अच्छे गीत भी आप चुन लें तो वो भी बेहद है। जहां तक अच्छे गीत का एवरेज है तो जाहिर है कि शैलेंद्र जी का एवरेज और परसेंटेज कुछ और है, कुछ अलग है। तो ये वो लोग हैं
जिन्हें क्योंकि वो एक आम आदमी से बात कर रहे थे इसलिए आप उन्हें कम समझेंगे किसी से। उन्होंने कहा क्या, ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है शैलेंद्र के नहीं होने का हमको अंदाजा नहीं है। शैलेंद्र और फिर साहिर, साहिर नज्म के अंदाज से लिखते थे, शैलेंद्र जी गीत लिखते थे, मगर इन दोनों ने एक काम किया। आम इंसान फिलॉसफी की किताबें नहीं पढ़ता है, आम इंसान सेकुलरिज्म पे और सोशलिज्म पे कोई थीसिस किसी का नहीं पढ़ता है, आम इंसान इन वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने के लिए मोटी मोटी किताबें नहीं खोलता। ये फिल्मी गीत थे इनके, जो पूरे समाज को सही वैल्यूज देते थे, सही संस्कार देते थे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मुझे ये थॉट या ये सबक पिछले 25-30 साल के किसी गाने में बताओ, एक गाना बताओ कि इसमें था, दूसरे शब्दों में था मगर था। वो जो गीत कई लोगों ने कोट किया है, मुझे खुशी है कि किया है, मुझे मालूम नहीं था कि इतने लोगों को याद है कि आलू टमाटर का साग इमली की चटनी बने, रोटी करारी सिके ही उस पे असली लगे। ये लाइनें वो आदमी लिख ही नहीं सकता जिसे मालूम नहीं हो कि भूख क्या है। वो लिख ही नहीं सकता। ये तो सेंसिटिविटी तेज होती है भूख में कि वो कहीं भी खुशबू उसके आटे की खुशबू उसके नाक में आती है जब वो 3 दिन भूखा है। ये गीत सिर्फ वो आदमी लिख सकता था जिसने भूख को एक्सपीरियंस किया है। खाने का इतने प्यार से भरे पेट का आदमी लिख ही नहीं सकता। इतने गीत, छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूं माँ के नसीब का बेटा, रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जला जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। ये तरह तरह के आप गीत देखिए उनके कि कहां बाकी एंटरटेनिंग फिल्म बन रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बीच में शैलेंद्र जी कैसे चुपके से सही वैल्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मैं पब्लिक फिलोसोफर, ही वॉज नॉट ओनली अ गीतकार, ही वॉज अ पब्लिक फिलोसोफर। हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ कहें, लेकिन न उतनी जगह है, न स्पेस मिलती है। मुझसे भी ज्यादा ये नई जनरेशन जो आई है इसको तो और भी ज्यादा तकलीफ है। ऐसा नहीं कि लिख नहीं सकते हैं, लेकिन इनको न जगह है न मौका है। मुझसे कोई पूछ रहा था ऐसे गीत जो पहले होते थे यदि वो प्यासा में थे ना, वो अब क्यों नहीं होते हैं, जैसे सीमा में थे अब क्यों नहीं होते। मेरा भाई, उस तरह के गीत जिंदा जला दूंगा में तो नहीं आ सकते। अगर पिक्चर का टाइटल जिंदा जला दूंगा है तो उसमें तो नहीं आ पाएंगे ना। वो कहानियां नहीं है, वो चरित्र नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है, और वो संगीत भी नहीं है जिसमें इतना ठहराव हो कि शब्द खुल के सामने आ सकें और आपके पास वक्त हो कि आप उन शब्दों की गहराई को महसूस कर सकें। तो बुरे वक्तों में गुजर रही है इस वक्त जो पॉपुलर म्यूजिक है, वो बड़े ख़राब वक्तों से गुजर रही है, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। और मैं उम्मीद इसलिए रखता हूँ कि मैं देखता हूँ कि आम आदमी को जिसका किसी चीज़ से कोई संबंध नहीं, अगर आप उससे बात कीजिए तो शैलेंद्र जी के गीत उनके अंतर याद हैं। मुखड़ा याद होना तो फिर भी आसान होता है। जब तक हिंदुस्तान के रहने वाले को जो हिंदी उर्दू बोलता है शैलेंद्र जी के अंतरे याद हैं, तब तक उम्मीद है। धन्यवाद।